नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, ज्योतिष, पर्व, त्यौहार इत्यादि, भारतीय संस्कृति, इन विषयों पर बात करता हूँ। ज्योतिष की जब बात करते हैं तो ग्रहों का भ्रमण, राशि परिवर्तन, अस्त ग्रह, ग्रहण इत्यादि, साढ़े सती, मंत्र, दान, पुण्य, रत्नों का उपयोग, शुभ अशुभ दशा, इन सभी विषयों को हम इसमें इसके ऊपर बात बार बार बात करते हैं। आज मैं आपसे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सूर्य 16 जुलाई को रात को 10:27 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त को 6:51 पे तब तक किस राशि में रहेंगे। कर्क में जब ये प्रवेश करते हैं तो कर्क संक्रांति भी उसको कहते हैं। तो जब भी सूर्य के भ्रमण की बात करेंगे तो सूर्य के आगे पीछे दो ग्रह चलते हैं, शुक्र और बुध। ज़्यादातर बुध जो है 30 दिन जो है कर्क राशि में ही रहेंगे, 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, परंतु 29 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य त्रस्त रहेंगे ये। और शुक्र जो हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में सिंह राशि में और 1 से 17 अगस्त के बीच में कन्या राशि में नीचे होकर भ्रमण करेंगे। इस समय जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उस समय सामने ही मंगल भी पड़ रहे हैं, इनके उच्च के होंगे, लेकिन सूर्य मंगल की युति होगी जो कि अत्यधिक हिंसक होगी। साथ में 27-28 जुलाई को ग्रहण है, 11 अगस्त को चंद्र ग्रहण है, 27-28 जुलाई मध्यरात्रि में चंद्र ग्रहण पूर्ण है, 11 अगस्त को सूर्य ग्रहण है जो दृश्य नहीं है परंतु हिंसक होगा। तो ये जो ग्रह स्थिति बन रही है इसका असर कुंभ लग्न पे क्या होने जा रहा है। कुंभ लग्न 12 राशियों में 11वां है, हर लग्न के ऊपर असर होगा, हर राशि पर असर होगा। हम लग्न को इसलिए बार बार हम लग्न की बात करते हैं क्योंकि जो भी उपाय मैं बताता हूँ वो रत्नों के हों जो भी हों लग्न के ऊपर आधारित हैं। तो कुंभ लग्न में सूर्य का मकर राशि का प्रवेश कैसे होगा ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्या आपका कुंभ लग्न है इसको समझने के लिए आप क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान ये किसी भी ज्योतिष के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में फीड करें। स्क्रीन पे 12 खानों का एक चित्र आएगा, यदि उसमें 11 नंबर छप के आता है ऊपर के मध्यम के खाने में, मध्य खाने में, जिसपे असेंडेंट हिंदी में अथवा अंग्रेजी में असेंडेंट हिंदी में लग्न लिखा होगा तो समझिए आपका कुंभ लग्न है। यदि 11 छप के आ रहा है कुंभ लग्न लग्न पे क्या असर होगा ये बताते हैं। कुंभ लग्न में सूर्य 6 भाव में होगा, परंतु ये जीवन साथी, व्यापार, अर्पित इत्यादि से जुड़ा है। 6 भाव में सूर्य का भ्रमण उत्तम माना जाता है, इसलिए रोग और विरोधियों से छुटकारा, विरोधियों पर विजय। देश विदेश में आप मेडिसिन के लिए, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, खेल के लिए जाना चाहते हैं, फौज पुलिस की दृष्टि से वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ शुभ यात्रा हो रही है। बिजली का क्षेत्र है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, परीक्षा दी है तो इसमें सफलता, ये सब कुछ संभव है। देश विदेश में दोनों जगह पर सफलता है। विदेश में नौकरी, व्यापार संभव है, विशेषकर यदि आपका कला, साहित्य, संगीत और मीडिया, टीवी, फिल्म से जुड़े तो वहाँ पर भी सफलता है। तो ये जीवन का सभी क्षेत्रों में लाभकारी है, क्योंकि कुंभ लगन जो है लोहे सीमेंट से जुड़ा है तो प्रॉपर्टी बिल्डर्स और होटल का व्यवसाय वो भी लाभकारी है। परंतु मांगलिक जातक हैं उनके लिए थोड़ा जीवन साथी और संतान और बीमारी को लेकर सावधानी का समय है ये, क्योंकि ये चीज़ें उभर सकती हैं इस समय। पीठ, त्वचा के रोग, लीवर यानी उदर के रोग, नर्वस सिस्टम की समस्या, जॉन्डिस इत्यादि का खतरा और गायनी क्षेत्रों में सर्वाधिक परेशानी का योग बनता है और मांगलिक जातकों को विशेष करके। यदि आप गर्भवती हैं तो इस समय में सिजेरियन चाइल्ड बर्थ संभव है। यदि ये संभव है और चिकित्सक आपको सलाह देता है तो 27-28 को जो ग्रहण है और 11 अगस्त को, तो सिजेरियन की तिथि से 1-2 दिन आगे पीछे की ले लें। भूमि, जमीन, नई संपत्ति, महंगे वाहनों पर व्यय संभव होगा। किराए, आयात निर्यात, रुके धन की प्राप्ति, पैतृक धन और विदेश में धन आय वृद्धि के योग है तो ज़्यादातर शुभ है। जीवन साथी से और प्रेम से संबंध अच्छे बनेंगे, राजनीति में पिता से हर जगह पे संबंध अच्छे बनेंगे, सफलता आपके आप कदम चूमेंगे, परंतु कुछ सावधानियाँ भी आवश्यक हैं। सावधानियाँ क्या हैं, मांगलिक जातक इस समय शांत रहें, जीवन साथी के प्रति या अपने साझेदार हैं जो व्यापारिक साझेदार हैं, ब्लड प्रेशर, मसल्स और घुटनों और पीठ के मसल्स,
अल्सर्स, हर्निया, इन रोगों के प्रति सावधानी रखनी होगी, चिकित्सक से संपर्क में रहें। अतः मसालेदार एसिडिटी की चीज़ें, नींबू इत्यादि कम लें। शनि है तो शनि, मंगल, बुध, शुक्र, पीपल, बड़ के पेड़ पर तेल के दीपक चढ़ाएं शनि की शांति के लिए। शनिवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार पीपल अथवा बड़ के वृक्ष पर तेल के, सरसों के दीपक चढ़ाएं सूर्यास्त के उपरांत अथवा सूर्योदय से थोड़ा पहले। मांगलिक जातक सूर्य, बुध, मंगल की दशा चल रही हो, साढ़े सती चल रही हो तो मूंगा, मंगल दशा चलने पर विशेष रूप से मूंगा, छेरत्ती का रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में मंगलवार के दिन माणिक्य। यदि सूर्य महादशा चल रही हो तो मूंगे के स्थान पर माणिक्य, छेरत्ती का रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में रविवार के दिन, तथा साथ में इस जो कंडीशन है सूर्य बुध मंगल की दशा और साढ़ सती, मंगल की दशा में मूंगा, सूर्य की दशा में माणिक्य, साथ में दाएं हाथ में नीलम, पांच रत्ती का इंडेक्स मिडिल फिंगर में दाएं हाथ में शनिवार के दिन सोने अथवा चांदी में, तथा बाएं हाथ में हीरा 1.25 कैरेट का बड़ी उंगली में शुक्रवार के दिन। ये ना अफोर्ड कर सके तो 5 से 6 रत्ती का सफ़ेद पुखराज चांदी में शुक्रवार के दिन बड़ी उंगली बाएं हाथ में। उधार किसी को ना दें, व्यापारिक और कोई भी उधार किसी को पूरे माह ना दें, विशेष करके 1 से लेकर 17 अगस्त के बीच में। रोज सूर्य को अर्घ्य तथा दुर्गा सरस्वती के द्वितीय चरित्र का पाठ करना। रात्रि सूक्तम है, दुर्गा में एक सूक्तम है, रात्रि सूक्तम अत्यधिक प्रबल है। 21 बार रोज रात को 12 बजे के करीब 16 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य करें, जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा। काले कुत्ते, कौर, मछली को रोज भोजन डालें। मछली को उड़द की दाल की गोलियाँ, काले कुत्ते और कौए को गुड़ की रोटी। संतान जीवन साथी हेतु ग्रहणों पर 27-28 जुलाई और 11 अगस्त को तुला दान करें। धन्यवाद, नमस्कार।